पल्लव भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी चलते हैं, अपडेट ले लेते हैं। पल्लव, आप ओल्ड राजेंद्र नगर के इलाके में हैं, ताज़ा अपडेट वहां से, पानी जमाव था, जल जमाव था, निकाला गया नहीं निकाला गया या अपने आप नेचुरली निकल रहा है वहां से? पल्लव, आप देखिए सुमित, यहाँ पे पानी थोड़ी देर पहले तक काफ़ी भरा हुआ था जिससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे पानी अपने आप कम हो रहा है जिससे जो गाड़ियों की रफ्तार है वो भी तेज़ हो रही है। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि पानी के कारण लोगों को समस्या बहुत देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके का पानी है, किस स्पीड के साथ यहाँ फ्लो कर रहा था। और कुछ देर पहले सुमित, ये जो स्पीड थी वो काफ़ी तेज़ थी, वो एकदम बहाव वाली स्पीड थी जिससे न सिर्फ पहियों की रफ्तार पर लगाम लगी थी बल्कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से चलने में दिक्कत सामने आ रही थी। सुमित, एक खबर और आ रही है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे तेज़ हवाएं चलने से नुकसान भी हुआ है, पेड़ और होल्डिंग्स के गिरने की खबरें भी आ रही हैं, उस पर भी हमारी नज़र है। एक अपुष्ट तरीके से खबर ये भी मिल रही है कि गाज़ियाबाद में एक व्यक्ति की इसी वजह से होल्डिंग गिरने की वजह से मौत होने की खबर भी आ रही है, लेकिन अभी इसको पुष्ट होना बाकी है। अभी जब पुष्ट होगा तो उस पर भी आपको बताएंगे, कन्फर्म होने के बाद ही बताएंगे। हिमांशु हमारे साथ हैं, हिमांशु गाज़ियाबाद के वैशाली इलाके में ही हैं, वहाँ पर ज़बरदस्त जल जमाव था, बहुत लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है गाज़ियाबाद का, वैशाली और वसुंधरा का, और शाम का वक्त था, काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कतें आई होंगी हिमांशु। देखिए निश्चित तौर पर जो बारिश आधे घंटे पहले थोड़ी रुक सी गई थी, अब एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो बारिश है वो फिर से धीरे धीरे तेज़ हो रही है। और मैं इस वक्त वैशाली मेट्रो स्टेशन तक पहुंचा हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बारिश जब रुके, क्योंकि आपको पता है करीब 5:30-6 बजे जो तेज़ बारिश शुरू हुई वो 8:30 बजे तक हुई थी, आधे घंटे के लिए रुकी थी, फिर बहुत सारे लोग यहाँ से निकले। पर मेरे पीछे सुमित आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये वो लोग हैं जो मेट्रो से अभी वैशाली मेट्रो स्टेशन पहुँचे हैं लेकिन बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ बारिश हो रही है और यहाँ से कुछ 50 मीटर दूर ही वो सड़क है जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को मिलता है, लेकिन बारिश की वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था थी वो भी करीब 2 घंटे तक यहाँ ठप हो गई थी और इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके रहे मेट्रो स्टेशन पर। एक और अपडेट भी है सुमित, जो लेटेस्ट जानकारी मौसम विभाग की तरफ से अभी अभी जारी की गई है, जो बारिश हुई है 5:30 से 8:30 बजे के बीच में, सबसे ज़्यादा बारिश मयूर विहार इलाके में हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 5:30 से 8:30 बजे के बीच में 119 mm की बारिश हुई है, करीब 12 सेंटीमीटर की बारिश, जो निश्चित तौर पर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा सफदरजंग इलाके में करीब 80 mm की बारिश हुई, 8 सेंटीमीटर बारिश हुई है। पालम इलाके में भी करीब 43 mm यानी 4.5 सेंटीमीटर, जो पूर्वानुमान भी था। और साथ ही जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलाका है वहाँ पर 77.5 mm की बारिश हुई है। और जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था कि 3 से 5 सेंटीमीटर यानी 30 से 50 mm बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था, लेकिन अगर आप इन सिर्फ 3-4 लोकेलिटीज़ को देखें, मयूर विहार को जहाँ 119 mm बारिश हुई है मौसम विभाग के पूर्वानुमान से दोगुनी से भी ज़्यादा, उसके साथ ही सफदरजंग में भी करीब 80 mm है, ये भी मौसम विभाग के पूर्वानुमान से ज़्यादा है। पालम में मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो सही साबित हुआ, 43 mm बारिश है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो इस वक्त काफ़ी न्यूज़ में है वहाँ पर 77.5 mm यानी करीब 8 सेंटीमीटर एक बार फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके में बारिश हुई है। ये आधिकारिक आंकड़े हैं सुमित जो मौसम विभाग ने अभी अभी जारी किया है। जी जी, इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी लगातार ट्वीट करके बता रही है कि कौन कौन से इलाकों में ट्रैफिक कंजेशन है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। मैं पढ़ देता हूँ कुछ ट्वीट्स को, जिसके मुताबिक धौलाकुआं से जो रास्ता गुरुग्राम की तरफ जाता है वहाँ पे ज़बरदस्त जल जमाव है, वाटर लॉगिंग है, जिस वजह से ट्रैफिक बहुत ही स्लो मूवमेंट कर रहा है। ये अब से 3 से 4 मिनट पहले का ट्वीट है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का, ट्रैफिक अलर्ट दे रहे हैं ट्वीट के जरिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जो हैंडल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, @DTPTraffic, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक के नाम का हैंडल है @DTPTraffic, जिसमें दिल्ली में कहाँ कहाँ जल जमाव है और कहाँ कहाँ ट्रैफिक स्लो चल रहा है उसकी जानकारी दी गई है। एक और ट्वीट किया गया कि मथुरा रोड पर जो अपोलो अस्पताल की तरफ जाने का रास्ता है टुवर्ड्स बदरपुर की तरफ, वहाँ पर भी पानी जमा है। बदरपुर से सरिता विहार के रास्ते के
के बीच में, और उस वजह से ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम इस इलाके में लगा हुआ है। लोगों को सलाह दी गई है कि इस रास्ते को अवॉइड करें, इस पर ना जाएं। इसी तरीके से खानपुर की तरफ हमदर्द जहाँ पर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी वाटर लॉगिंग है, वहाँ पर भी जल जमाव है, उस रास्ते को भी अवॉइड करने की सलाह दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपनी ट्वीट के जरिए दे रही है। ज़खीरा अंडरपास पर पानी भर गया है जहाँ से, जिसकी वजह से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा है। अंडरपास को, ज़खीरा अंडरपास को अवॉइड करने की बात कह रही है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी। इन तमाम सलाहों को ज़रूर मानिएगा अगर आप इन मुसीबतों से बचना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर आप ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और वहाँ पर हमारी ये ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो गुजारिश है आपसे, हाथ जोड़ के विनती है कि आप आराम से चलिए, जल्दबाजी मत करिएगा, ट्रैफिक नियमों का पालन करिए। कई बार सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जिससे तकलीफ भी हो सकती है आपको भी और दूसरों को भी, तो सावधानी बरतें, ट्रैफिक में अपने धैर्य को, अपने धीरज को बना के रखें, जल्दबाजी ना करें, किसी भी तरह के हादसे से बचने की आवश्यकता है यहाँ पर। तो आम व्यक्ति को, आम दिल्ली नागरिक को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मेरे साथ पल्लव, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पल्लव, मैं देख रहा हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर के जो छात्र थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अभी भी वाटर लॉगिंग वहाँ हुई है, उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया है इस क्योंकि बारिश की वजह से पानी का जमाव राजेंद्र नगर के इलाके में है। किस तरह की दिक्कतें हैं, आप लगातार चार दिन से वहाँ जा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ जो रहने वाले छात्र हैं, क्या उनके घर हैं, उनके जो कमरे हैं, उनके जो घर हैं, उसमें भी पानी भर जाता है? अब देखिए सुमित, मैं आपको एक बात बताऊं कि कल मैं मुखर्जी नगर के इलाके में था और वहाँ मेरी कुछ छात्रों से बात हो रही थी। उनका कहना था कि जब यहाँ पे बारिश होती है, जो ग्राउंड फ्लोर पे बच्चे होते हैं, तो उनके जो कमोड्स होते हैं वहाँ से वेस्ट ओवरफ्लो करके ऊपर चला आता है।